इसी के साथ साथ शार्प4 रेटिंग देखने को मिलती है। शार्प4 रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो कि हाई के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन जो साइज रहेगा वो काफी प्रॉपर रहेगा, मतलब कुछ एल होते हैं पर वो एल नहीं होते हैं। और ऊपर वाले वाइजर को भी हटाते हैं। मेरे को फर्स्ट साउंड जो ऐसे वाली आती है जो नए फोन्स में या इवन कोई भी ऐसे स्टिकर ऊपर लगा रहता है, चल रहा है, इंट्रो चालू कर दे। ऑलराइट सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। एंड यस, फाइनली एक और हेलमेट हम लोगों ने अपने गियर्स में ऑन कर दिया है, और जो कि मेरे पास है मेरा नया MT का टेंडर 3 प्रो डीप ग्लॉस हेलमेट। मैंने इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दी है, बट अनबॉक्सिंग वीडियो में थोड़ी अलग करते हैं, लाइक ओपन करते हैं। बाय द वे, जितने भी पॉलिथिन्स हैं इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोटेक्शन में आई थी, मतलब ये वाली जो थी वो तो अंदर थी, बाकी बाहर विद बिल के साथ एक अलग थी। एनीवे, इसको साइड करते हैं, इसको नीचे रखते हैं। एंड बाय द वे, प्रेजेंटिंग माय न्यू हेलमेट, ये रहा। अपनी मेहनत के लिए अच्छा लग रहा है, मतलब ओपन करने में। एनीवे, ये है हमारा हेलमेट, इसको पहले ओपन करते हैं। सो दिस इज आवर न्यू हेलमेट विच इज, अगेन मैं नाम बता दूं, MT का डीप ग्लॉस हेलमेट है, और कुछ इस हिसाब से है। शेल काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, और फीचर्स भी अभी बताएंगे इस पूरे हेलमेट की। एंड देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है, पहनने में भी उतना ही यूनिक है। और मैं पहले तो सोचा था कि कुछ और ब्रांड के ऊपर जाऊं, बट MT इज़ MT, मैं पहले भी MT यूज़ कर रहा हूं। MT का जो हमर था, जो कि मैंने शार्क एडिशन वाला लिया था, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो थी आज के 2 साल पहले कुछ मैंने डाली थी, उसकी भी वीडियो आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाते देख सकते हो। एंड एक और हेलमेट हमने ले लिया है जो कि ये है, एंड यस काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड इवन फिनिश अगर हम लोग देखें, फिनिश से लेके अंदर इंटीरियर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी शेल साइज बड़ा है अगर हम लोग देखें तो। मेरा मुंह छुप चुका है शायद। एनीवे, हाँ, तो काफ़ी शेल साइज जो है इसका काफ़ी बड़ा है अगर हम लोग देखें तो। वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ भी है एक्चुअली। एंड थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट करना पड़ेगा लग रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ ठीक है, मेरे कोई पीछे होना पड़ेगा। तो इस हिसाब का बेसिकली कुछ हेलमेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस हेलमेट के ऊपर 3-4 चीज़ें भी बताना इवन बहुत ज़रूरी है, लाइक क्या आपको देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक हम लोग के नीडेड रहती है एक प्रॉपर एक राइडर के हेलमेट में क्या क्या नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दें, जो कि ये हेलमेट है वो हाई इम्पैक्ट के लिए बनाया गया है, मतलब इवन अगर आप हाई इम्पैक्ट जब पड़ता है तो शेल ब्रेक नहीं होगा, काफ़ी अच्छा है, शेल है काफ़ी मजबूत शेल है। और MT अपने जितने भी हेलमेट्स बनाती है वो एक मोटो जीपी के कॉन्सेप्ट को लेके ही बनाती है। तो इसका जो वाइजर देखने को हम लोग को मिलता है वो एक नॉर्मल वाइजर नहीं देखने को मिलता है, एक ट्रैक वाइजर टाइप का देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल वाइजर में और जो कि ड्रैग वाइजर में फ़र्क ये होता है कि ड्रैग वाइजर्स थोड़े से बड़े होते हैं, जो कि एरोडायनेमिक और अच्छा प्रोवाइड कराते हैं हेलमेट को। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये बना हुआ है, क्विक रिलीज सिस्टम देखने को मिलता है वाइजर में, लाइक आपको खिटपिट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत निकाला तुरंत लगाया, ईजी टू चेंज है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी। एंड अभी तक मैंने हेलमेट को प्रॉपर मतलब नहीं देखा, 1 हफ्ते से मेरे पास पड़ा हुआ है जब से ये हेलमेट आया था, एंड मैंने इसको राइडर जंक्शन से ऑर्डर किया था। और अगर आपको ये हेलमेट लेना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो कि इसका साइज़ है वो XL है, XL और L एंड मीडियम स्मॉल में फ़र्क इतना है वेट का, 50 ग्राम्स का फ़र्क है, 1550 आपको देखने को मिलता है स्मॉल और मीडियम का, एंड 1600 ग्राम्स देखने को मिलता है, प्लस माइनस 50 दोनों ही में रहता है एक्चुअली, तो 1600 ग्राम्स कुछ इसका देखने को मिलता है। तो 50 ग्राम्स अप्रॉक्स मान के चले 100 ग्राम्स का पूरा फर्क हम लोग को देखने को मिलता है, इतना समझ में नहीं आता है एक्चुअली। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो .EC सर्टिफाइड हम लोग को देखने को मिलता है, एंड यहीं पर हम लोगों को यूरोपियन सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है, जो कि ECER 22.05 है। इसी के साथ साथ शार्प4 रेटिंग देखने को मिलती है। शार्प4 रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो कि हाईएस्ट लेवल है सेफ्टी का पूरे मार्केट में, शार्प4 रेटिंग के हेलमेट्स काफ़ी बेटर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी शेल मजबूत होती है, तो इसमें भी शार्प4 रेटिंग आपको देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो 3 तो रेटिंग हो गई, एक और रेटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि ISI 2015 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ISI 2015। तो
ये कुछ चार रेटिंग आपको देखने को मिलती है, काफी सही चीज है ये भी। एंड इसके वाइजर के ऊपर एक चीज बता दूं, जब आप अनबॉक्सिंग करोगे इसकी, जब नया हेलमेट आपके हाथ में आएगा, तो ये वाइजर अगर आप कोई स्टोर से ले रहे हो तो बात अलग है, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो कहीं से तो ये वाइजर आपको एक अलग देखने को मिलेगा। एंड कुछ इस एक इस पॉलिथिन टाइप समथिंग में कुछ आया था, थर्मा बोल दिया था, डोंट नो, हाँ तो इसमें आया था, तो स्क्रू से आपको टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्क्रू से इसको टाइट करके रखा है, वो तो दिख रहा होगा, यहाँ से एंड यहाँ से एंड अगेन यहाँ से, तो स्क्रू से मैंने इसको टाइट किया है, तब जाके ये हेलमेट थोड़ा सा लाइक इस पे वाइजर लगा था, वरना ये बिना वाइजर के ही था। और ज़्यादा इसको टाइट करने की नीड नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करोगे तो प्लास्टिक पे भी हार्म पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल है तो प्लास्टिक ही। एंड वेंटिलेशन सिस्टम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है, एग्जॉस्ट सिस्टम आपको इधर साइड देखने को मिल जाता है, दो एग्जॉस्ट सिस्टम इधर देखने को मिल जाते हैं, कस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी वेंटिलेशन का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग देखें तो अंदर का जो फैब्रिक है वो है बना है हाइपो एलर्जेनिक से। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि अंदर जो जर्म्स होते हैं हम लोग के, स्वेटिंग होती है, वो थोड़ी सी कम रहने के लिए अंदर का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अगर देखें, ये फैब्रिक बाय द वे निकल भी जाएगा अगर आपको वॉश करना है, वॉशेबल फैब्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ साथ आपको लेज़र कट फैब्रिक भी यही में देखने को मिल जाता है, जो कि हम लोग का लेज़र कट फैब्रिक है वो अल्टीमेट फिट होता है कोई भी, मतलब सिर पे ऐसा नहीं है कि कोई भी सिर पे फिट हो जाएगा, आपको लेना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन जो साइज़ रहेगा वो काफ़ी प्रॉपर रहेगा, मतलब कुछ एल होते हैं पर वो एल नहीं होते हैं तो एनीवे जैसे कुछ एक्स एल होते हैं, कुछ एल साइज़ होते हैं, तो वो कभी कभी कम ज़्यादा फिट होते हैं, बट इसका पूरा सेम ही है, अगर एक्सएल है तो एक्सएल ही फिट होगा, उससे ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाय द वे यहाँ पे हम लोग को डीरिंग देखने को मिलता है, स्ट्रैप नहीं देखने को मिलती, ऐसे निकाल दिया, डीरिंग देखने को मिलता है, जो कि हम लोग के फास्टनर्स हैं, ये यहाँ पे हम लोग को डीरिंग देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, डीरिंग काफ़ी बेटर रहता है। यहाँ से हम लोग इधर से इधर करके एंड इधर इसमें पुट कर देते हैं, इसको लगाने का भी तरीका एक अलग है, आपको इधर से इधर लेके जाना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। और यहीं पे आपको चिन कर्टेन भी देखने को मिलता है, अंदर का जो स्पेस है ये वाला वो काफ़ी सही चीज़ इसका स्पेस है। रीज़न के एमटी के जितने भी हेलमेट आते हैं उनका जो चिन होता है वो यहाँ तक पूरा ऑलमोस्ट छूता रहता है, तो इसका सीन ये है कि ये थोड़ा सा दूर पे है, तो दूर होने की वजह से जो माइक लगेगा इवन इंटरकॉम का भी लगेगा, चाहे वो गोप्रो का माइक होगा, वो काफ़ी फिट बैठेगा, काफ़ी सही चीज़ है ये भी। क्योंकि मैंने हेलमेट जो लिया था वो इसी चक्कर में लिया था, थोड़ा देख सुन के लिया था, एमटी के जितने भी हेलमेट्स आ रहे हैं वो थोड़ा से उनके चिन यहाँ पे रहती है, तो मेरे को ये चाहिए था कि चिन थोड़ा सा दूर पर रहे। इवन बॉस का कहना है कि एग्जॉर का जो अपेक्स है उसी का थोड़ा शेल मैचिंग है, कहने को कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से नहीं, ये क्योंकि थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है, एपेक्स में फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। ऑल्दो एपेक्स का जो जोकर वाला एडिशन आता है, इवन बैटमैन तो नहीं है, जोकर और जो XBHP वाला आता है वो भी 6500 का, ये 6800 का, फ़र्क इतना ही है, 300 का कुछ फ़र्क है, मेरे को ये पूरा 7000 का पड़ा है, 200 रुपये शिपिंग चार्जेस लिए थे, खैर कोई नहीं, 7000 मान लेते हैं, वैसे 6800 का आपको ये देखने को मिलेगा। स्पेयर वाइजर आपको अगर लेना है तो कुछ 1200-1300 समथिंग का आता है। इवन इसमें सनवाइजर भी देखने को मिलता है, ओपन करके दिखा देते हैं, यहाँ से आपका एक स्विच दिया है, इससे आप सनवाइजर को अपना लगा सकते हैं, अगर आप धूप धूप में चल रहे हो तो उसके लिए काफ़ी काम आता है। तो ये है इधर ही इसके स्विच से, आप इसको ऐसे कर सकते हो, बहुत से लोग इसको ऐसे करके कर देते हैं, बट ये गलत है, जैसा है उसको वैसे ही करने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब इसको लगा हटाते हैं, जो फर्स्ट साउंड होती है ये वाली, वो मेरे को बहुत पसंद है और इसको रख देते हैं अंदर ही, रखते हैं इसमें, और ऊपर वाले वाइजर को भी हटाते हैं। मेरे को फर्स्ट साउंड जो ऐसे वाली आती है, जो नए फोन्स में या इवन कोई भी ऐसे स्टिकर ऊपर लगा रहता है, उसको हटाने का भी एक साउंड जो होता है वो काफ़ी बढ़िया लगता है सुनने में, जो एकदम स्मूथ सी साउंड आती है ये वाली, बहुत बेटर। तो ओवरऑल अगर हम लोग रेटिंग देखें एंड जितनी भी फिट फिनिश है इस हेलमेट की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है और शेल भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो हम लोग को एमटी का ब्रांडिंग वो इस एक बॉक्स के अंदर है, ये ज़्यादातर मोटो जीपी के एडिशन्स में होता है, एमटी जितनी मोटो जीपी एडिशन है। वैसे मेरा मन हेलमेट लेने का था वो एमटी का 12950 का आता है, एमटी का थंडर 4 वो मेरा लेने को, ये तो 3 है, वो मेरे को लेने को बहुत मन था थंडर 4, बट मेरे को मेरा साइज़ नहीं मिला था, मेरा साइज़ एक्सेल आता है, ये एक्सेल है, मेरे को वो बहुत लेने का मन था, उसके लिए मैं एक महीना और रुक रहा था,
बट साइज नहीं मिल रहा और मन भी था क्योंकि कुछ राइट प्लान हम लोगों ने करी है वो बताएंगे ही है, एंड इवन 365 डेज में भी टाइम लग रहा है तो उसका भी कुछ सेपरेट देने का भी फुर्सत में उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाय द वे एक बार ये भी दिखा देते हैं, तो अंदर हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिलता है अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है, इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें भी क्या क्या देखने को हम लोग को मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट। कुछ तीन ही चीज़ें हैं जितना मैं देख रहा हूँ, ये क्या एक ओके तो ये एक स्टिकर है शायद, हाँ तो एमटी ने अब स्टिकर्स भी देना चालू कर दिया है, स्टिकर ही है शायद, देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्टिकर ये देखने को मिलता है, एमटी का ये स्टिकर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब एमटी ने स्टिकर देना भी चालू कर दिया, ये भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस की, वर्ल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की कुछ देखने को मिलती है, एंड ये एक मैनुअल डाउनलोड करने के लिए कुछ दिया है, ESEN ओके यहाँ पे कुछ कॉशंस दिए हैं पीछे, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया है, जिस जगह आप सुटेबल हो उस जगह पे आप समझ जाओगे क्या है, इंग्लिश में भी दिया है। तो ये एक वो दिया, मेरे को लगा कुछ डॉक्यूमेंट पैम्पलेट करके कुछ होगा ओपन करने का, खैर छोड़ो इसको रख देते हैं वापस। स्टिकर काम का स्टिकर देखो मैं लैपटॉप में अपने लगाता हूँ, किस में लगाता हूँ जिस पे जगह मिले। और इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक्शन प्रो का मैंने एक वो भी ऑर्डर किया है, ये कुछ पड़ा था मेरे को 479 का। इसको लेने का तरीका भी बहुत कैजुअल था, कैजुअल इस हिसाब से क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट विंग में ही मतलब डाउनलोडिंग अपलोडिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रीलांस का भी काम रहता है तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग होती ही रहती है, तो अलग अलग चीज़ें सर्च करनी रहती हैं, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट के विंग में कुछ रिवॉर्ड्स कलेक्ट हो रहे थे, उस रिवॉर्ड से वो मेरे को फ्लिपकार्ट का एक 500 का गिफ्ट कूपन मिल गया, उससे मैंने ये ऑर्डर कर दिया। एक हिसाब से फ्री भी है पर मेहनत भी की है तो कह सकते हैं। तो ये एक्शन प्रो का मैंने ये ऑर्डर किया है, एक माउंट है गोप्रो माउंट, और इसी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आई हैं, मैं ये दिखा देता हूँ, एक दो डॉक्यूमेंट हैं कुछ यहाँ पे वो है, और यहाँ पे ये फ़ोन के लिए दिया गया है, अगर आप आगे फ़ोन लगाना चाहो, वैसे मैं तो नहीं कहता हूँ आगे फ़ोन लगाओ हेलमेट के क्योंकि सेफ नहीं है इतना, बट लोग लगाने लगे हैं, तो ये भी एक देखने को मिलता है, वैसे ये ब्लॉक करने के लिए काम आएगा क्योंकि ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। बाकी मेरे को दो जे माउंट भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और एक ये इसी का माउंट है, इसमें लगाने के लिए ये रख लेते हैं काम ही आएगा, और एक ये स्क्रू देखने को मिलता है, वैसे इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर हम लोग देखें तो जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो इसमें एक ही जे माउंट मिल रहा था, गलती से दो जे माउंट आ गए या क्या हुआ मेरे को नहीं पता, ठीक है इसको भी मैं स्टिक कर लेता हूँ। और GoPro इंस्टॉलेशन की एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें आप जाके देख सकते हो, माउंट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि ये वाला माउंट बहुत ईजी है, ईजी टू स्टिक है, इसको भी मैं माउंट कर लेता हूँ उसमें, बट पहले लेवल्स जान लेना होगा क्योंकि लेवल्स जानना बहुत ज़रूरी है, लेवल्स इस हिसाब से कि किधर कैसे सेट करना है, ऐसे करके लगाने को तो ऐसे लग जाएगा बट उस चीज़ को थोड़ा सा देख के ही करना है, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम बराबर ही रखना है, बराबर कंडीशन कैसे, जैसे ये एक यहाँ पे मे बी शायद आपको दिख रहा होगा, ये एक कुछ लाइन सी है, इस पूरी लाइन से मैचअप रखना है हम लोग को, तभी ये थोड़ा फिट बैठेगा, एकदम स्ट्रेट एकदम एक्यूरेट बैठेगा। और लगा के देखते हैं इसको, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है एक्शन प्रो एंड इवन ब्लू आर्मर ने, दोनों ने ही काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है ये, क्योंकि हम लोग माउंट यहाँ पे एम सील करके लगाते हैं और वो उतना टिकाऊ भी नहीं रहता, हल्का सा इम्पैक्ट पड़ता है टूट जाता है, अब वो प्रॉपर स्टिक पे होने पे है, मैं उससे पहले तो यही इससे पहले तो वही इस्तेमाल करता आ रहा था, बट वो मैंने देख लिया, मैंने इसी के साथ साथ ये भी ऑर्डर कर दिया, काफ़ी बेटर है, और यहीं पे इसको मैंने स्टिक कर दिया है ऐसे करके, तो तुरंत सूख भी रहा है, अच्छी है, अच्छा चीज़ है काफ़ी। तो ऐसे कुछ करके ये लगा, अभी थोड़ा सूखने में इसको टाइम लगेगा, बट हाँ ये चीज़ थोड़ी सी बेटर है, काफ़ी सही चीज़ है, और यहाँ से ये पूरा स्टिक रहता है तो काफ़ी मजबूती प्रोवाइड हो जाती है इस चीज़ को। अब मैं पहन के भी एक बार दिखाई देता हूँ, उस पर मैंने पहन के नहीं दिखाया मेरे पे कैसा लग रहा है, एंड यहीं पे हाँ तो इस हिसाब का कुछ पूरा हेलमेट है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और देखें तो फिटिंग भी काफ़ी बेटर है, मेरे सर के हिसाब से फिटिंग काफ़ी बेटर है, और अब न्यू राइड्स में इसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाय द वे जब माइक लगेगा और जब जितनी भी चीज़ें इसमें और एड ऑन होंगी, लाइक मेरे को इंटरकॉम का भी अभी देखना है, और उससे पहले GoPro पूरा सेट करना है जो कि GoPro में भी ये ब्लॉग बन रहा है, तो GoPro पूरा सेट हो गए फिर इसमें कैसे क्या सेट होगा वह
एजर सॉरी फैब्रिक्स को निकाल के माइक इंस्टॉलेशन पूरी और वीडियो तरीके से बनाऊंगा, और कौन सा माइक लूंगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी भी वो शायद ऑर्डर्स पे है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है ये सब बनाने का क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गए। एनीवे हाँ, तो इस हिसाब का कुछ पूरा हेलमेट था, और ओवरऑल देखें तो मैं अपने न्यू राइड्स के लिए संडे राइड में एक बार ये ट्राई करूँगा पहन के, फिर प्रॉपर और अच्छे से बात करेंगे ऑन कैमरा ऑन वीडियो की कैसा है चलने में, लाइक पहनने में, और हवा का जो इम्पैक्ट है वो कैसे आ रहा है। बाय द वे एरोडायनामिक शेल देखने को मिलता है, तो जो कि काफ़ी सही चीज़ है, ये भी काफ़ी एरोडायनामिक है। एंड इतनी सी कुछ पूरी वीडियो थी, और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहे हैं और वीडियोज़ भी प्रॉपर जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, तो इतनी सी वीडियो थी, यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर, सो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना शेयर करना। यहाँ पे मेरे GoPro की बैटरी ऑफ हो गई थी, इस वजह से मेरे को कंटिन्यू जो करना पड़ रहा है वो ऐसे फोन से करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर, सो वीडियो चलिए दोस्तों लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।